सब्सक्राइब करें चैनल को अभी और घंटे को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप पाएं। चैनल आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे और उसे होवर कैसे बनाएंगे और इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे होवरेबल लिंक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिंक क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग PHIZIP टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिंक यूज़ कर ले रहा हूँ। इसका जो नाम है वो मैं होवर मी लिख दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चलेंगे पेज पर। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिंक क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है स्टाइल शीट जो हम लोग ने ओपन की है वहाँ पर हम लोग ये टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम लोग चूज करेंगे और इसे हम लोग येलो कर देते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। और मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टी बताया था कि अगर हम लोग को अंडरलाइन हटाना है तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन में जाके इसको हम लोग डन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डन हो गया। जैसा आप देख रहे हैं कि जो यहाँ से ये एक लिंक है बट यहाँ से अंडरलाइन कट जो प्रॉपर्टी वो हटा दी मैंने और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, येल्लो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक स्टाइल शीट में ही होवर प्रॉपर्टी होती है उसका हम लोग यूज करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को रेड सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ए जो इसकी इनिशियल जो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन है मैंने यहाँ पर नन कर दिया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने ए सेमी कोलन एच ओवर का यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। इसको हम लोग सेव करेंगे। उसके बाद चलेंगे पेज पर, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर माउस लेके जा रहा हूँ उसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जब साइज थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम लोग यहाँ पर विड्थ को 50px और हाइट को 70px सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो साइड सेट हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉन्ट कलर को थोड़ा फॉन्ट साइज को कम कर लेते हैं। अगर हम इसको 12px दे देते हैं तो देखिए थोड़ा कम हो गया साइज और उसके बाद ये भी वर्क कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके जो कलर को चेंज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर इसको वाइट कर दें। अगर मैं यहाँ पर होवर लेके जाऊंगा तो उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। तो ये देखिए जिसका इनिशियल कलर है वो जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू है और बैकग्राउंड कलर येलो है। अगर मैं यहाँ पर मैं इसे होवर करता हूँ तो जो इसका कलर है बैकग्राउंड वो रेड हो जाएगा और जो इसका टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाएगा। हम लोग एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे जिसका नाम पैडलिंग है। पैडलिंग का मैंने काम आपको बताया था कि क्या होता है। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उस ये काम करता है। देखिए आप जो पेडलिंग है बहुत ज़्यादा है इस टाइम तो इसका जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं इसे कम कर देता हूँ, अगर मैं इसे 5px कर देता हूँ तो ये देखिए जो गैपिंग है वो आ गई है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को हम लोग करेंगे 6px और तो ये देखिए जो इसका जो एजेस हैं वो क्या हो गए अपने आप ही थोड़े से राउंड शेप में हो गए हैं और थोड़ा ये अट्रैक्टिव भी दिख रहा है। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं रेड से ऑरेंज कर दूँ और सॉरी रिफ्रेश, तो ये देखिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको
टैली कर देते हैं इसको यहाँ पर, उसको शेप कर देते हैं। ये देखिए इटैलिक हो गया ये। हम लोग इसके फॉन्ट स्टाइल कलर और साइज सबको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा देखने में अच्छा भी लग रहा है। और लिंक जो मेनली यूज होता है वो नए नए पेज ओपन करने के लिए होता है। अगर आपके जो वेबसाइट पर नए लिंक होने अट्रैक्टिव होंगे तो आपकी वेबसाइट भी थोड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएटेड है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक और लिंक क्रिएट करते हैं। इसी में हम लोग एडिटिंग करते हैं। हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को हटा दें और इसे कॉपी करके यहाँ पर लिख दें तो क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर रेडियस हटा दिया यहाँ पर, तो ये हट गया। उसके जैसे मैं होवर लेके जाऊंगा जो इफेक्ट बॉर्डर रेडियस का था वो कहाँ पर ए होवर में आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो बॉर्डर रेडियस हो गई वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उसका टेक्स्ट जो कलर चेंज हो गया है। तो ये था होवर इफेक्ट लिंक के लिए। और इसके बहुत से यूज है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और जितनी भी अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।